आपने ऊँट के बारे में एक से बढ़कर एक खबर पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है ऊँट जहरीला सांप भी खा जाता है। ऊँट एक शाकाहारी जानवर है, लेकिन कभी कभी ऊँटों को एक अजीब सी बीमारी हो जाती है जिससे इनके पैर और मुंह में बहुत दर्द होता है। ऐसे में ऊँट खाना भी नहीं खाते और इनकी मौत हो जाती है। इस बीमारी को ऊँटों को सांप खिलाया जाता है। सांप खाकर इनके जहर को बर्दाश्त करना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्हें सांप खिलाया जाता है। ऊँट हर तरह के घास खा लेते हैं, कैक्टस जैसे पौधे को भी खा लेते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में 1,40,00,000 से भी ज़्यादा ऊँट मौजूद है और वह सभी किसी न किसी इंसान के कब्जे में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ऊँट को पालने वाले लोग अक्सर रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, जैसे कि अरब के देशों या फिर अफ्रीकी रेगिस्तान में। वही भारत के भी कई हिस्सों जैसे राजस्थान में भी ऊँट को सामान ले जाने या लाने में किया जाता है, क्योंकि रेगिस्तान इलाकों में लोगों को दूर सफ़र के लिए जाना पड़ता है, जिस वजह से वह ऊँट पालते हैं। वह जानवर रेगिस्तान के रेतीले इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ सकता है। यही वजह है रेगिस्तान इलाकों में रहने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, अपने सम्मान को ढोने के लिए इस जानवर का सहारा लेते हैं। इस तरह ऊँट से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियाँ जो अक्सर हैरान कर देती हैं। क्या आप जानते हैं ऊँट रेगिस्तान में कैसे रह पाता है? लगभग 40 से 50 साल जिंदा रहने के लिए ऊँट के शरीर में विभिन्न प्रकार की खूबियाँ होती है, जिनके कारण वह रेगिस्तान में अलग और कठिन वातावरण में रह पाता है। रेगिस्तान में रेत भरी हवाएं चलती है, जिनसे बचाव के लिए ऊँट के पलकों, कानों पर लंबे लंबे बाल होते हैं और इनकी नाक पूरी तरह से बंद हो जाती है। पलकों और कानों पर होने वाले लंबे बालों से रेत आँखों और कानों के अंदर नहीं जा पाती है। एक स्वस्थ ऊँट के शरीर का तापमान दिन भर में 34 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच बदलता रहता है, जिससे ऊँट पसीने के रूप में पानी के क्षय को रोकता है। और जब वातावरण में तापमान बढ़ता है, ऊँट के पैर चौड़े होते जाते हैं और उसके वजन को रेत पर फैला देते हैं। साथ ही साथ रेत में धंसते नहीं है, जिससे वह रेत आसानी से चल पाते हैं। ऊँट के ओठ मोटे भी होते हैं, जिससे वह रेगिस्तान में पाए जाने वाले कांटेदार पौधे भी खा पाते हैं। इसकी लंबी गर्दन के वजह से यह ऊंचे वृक्षों के पत्तियों को भी खा पाते हैं। इसके पेट घुटने पर रबड़ जैसी त्वचा होती है, जिससे बैठते समय रेत के संपर्क में आने पर भी इसका बचाव हो सके। यह त्वचा ऊँट की उम्र 5 वर्ष के होने के बाद बनती है। ऊँट के शरीर के रंग की वजह से भी इसे रेगिस्तान के मौसम में रहने में आसानी होती है। इसके शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, जिससे वह धूपों या धूप सह लेते हैं।